हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग, मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपनी बलेनो की लाइटनिंग के साथ। हम गाड़ी में देखेंगे कैसी कैसी इसके अंदर लाइटनिंग है। ये रोशनी भी इसी लाइट, इसी कैबिन लाइट की है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्सटीरियर की सारी लाइट्स के बारे में बात करेंगे और जो उसकी MID डिस्प्ले, उसकी लाइट कैसे कम होती है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। काफी अच्छी फीचर है, वो भी मैं आपको मैं अभी जरूर दिखाऊंगा। तो अगर चैनल पे आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक डिसलाइक कुछ भी करो, अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ो, सब कुछ जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो के बारे करते हैं स्टार्ट, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो आप इसके एक्सटीरियर में लाइट देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। सामने की साइड जो हमें मिल जाती है, देखो ये है सामने की साइड, हमें मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बगल में इंडिकेटर्स और नीचे जो हेलोजन बल्ब जो मैंने एक्सटीरियर डलवाए थे, बलेनो डेल्टा की हम बात कर रहे हैं। आप एक बार देखिए कितनी प्यारी जो रात में जो लाइट लग रही है ना, बेसिकली ये जो DRLs हैं जो आप शाम होते टाइम इन्हें आप जला सकते हो, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप इनके DRLs को एक बार पूरा देख सकते हो। ये इसका फ्रंट का लुक है, साइड में आपको इंडिकेटर जलते हुए दिख रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बगल में जो इसमें लाइट मिलती है वो इसका इंडिकेटर लाइट है, ये जैसे आप देख सकते हो। तो ये तो उसकी फ्रंट प्रोफाइल की सारी लाइट्स हो चुकी हैं, आप एक बार सब बहुत प्यार से देख सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ उसके बैक साइड में, आपको बैक साइड में इसकी लाइट्स दिखाता हूँ। पीछे चलें तो पीछे है कुछ ऐसा लुक इसका, पीछे से ऐसे हमें लाइट मिल जाती है इसके अंदर। पीछे की साइड आप देख सकते हो, इधर हमें मिल जाती है टेल लैम्प, इधर हमें इंडिकेटर, बगल में ये हमें रिवर्स के लिए पार्किंग लैम्प मिल जाती है। ऐसी है कुछ इसकी लाइट दिखने में। नीचे मिल जाते हैं, थोड़ा सा नॉइज है, नीचे हमें मिल जाते हैं बल्ब, आप देख सकते हो उधर, इधर हमें ये दो बल्ब मिल जाते हैं, इधर भी है। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है बलेनो रात में, थोड़ा सा देख सकते हो आप इसको। ये है इसकी रात का पूरा व्यू, सामने से अभी मैं आगे का फ्रंट व्यू, उसकी पूरी बीम वगैरह आपको सब दिखाऊंगा। तो ये इसका पूरा बाहर का पोर्शन हो गया। अब हम दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उसके इंटीरियर में। साइड में आप जैसे देख सकते हो, इधर आपको ये ऑटो का इधर मिल जाता है, जैसे आपको दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसी है गाड़ी का कुछ अंदर से व्यू, इसका नाइट का व्यू। आप देखो MID डिस्प्ले ब्लू में, और ये बहुत सब प्यारे से लग रहे हैं, आपको हर चीज का इंडिकेशन मिल जाता है। आप एक बार देख सकते हो इन सबको, ये इसकी MID डिस्प्ले पूरी, आपको बहुत कलरफुल सी, अट्रैक्टिव सी लग रही है काफी। अब हम चलते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील पे। तो स्टेयरिंग व्हील में हमें ये स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल में भी लाइट्स मिल जाती हैं ऑरेंज कलर की, आप देख सकते हो उन्हें भी एक बार। और साइड में चलें तो अब इसके जो डिस्प्ले दी गई है हमें, स्टीरियो दिया, इस पर भी हमें ब्लू में फिनिश मिल जाती है पूरी। और नीचे हम चलें अगर AC की साइड, तो AC में भी पूरा फिनिश मिल जाता है। आप जैसे एक बार से पूरा देख सकते हो ऑरेंज का फिनिश जो है। बेसिकली मैं सोच रहा था नीचे होता ना एक्सेलरेटर के पास, तो इधर भी एक लाइट लगवा दूं नीचे पूरे, उसमें काफी अच्छी लगी। वेलकम प्लेट्स वगैरह के बारे में सोच रहा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो जैसे गाड़ी में काफी अंधेरा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं अपने कैबिन में नीचे जो ब्लू कलर की लाइट आपने देखी होंगी ना, अट्रैक्टिव सी जो लाइट होती है, वो लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं इसे कैबिन की लाइट की बात करूं, देखिए कुछ ऐसी है इसकी कैबिन की लाइट। एक लाइट हमें इधर मिल जाती है, एक लाइट हमें मिल जाती है इधर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये दो लाइट हमें इस कैबिन के अंदर मिल जाती हैं। मैंने अब कर देता हूं बंद। अब मैं आपको एक मेन चीज दिखाता हूं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आप देख रहे हो इसका पूरा फोकस है, ये इसकी, ये सब बंद कर देता हूं। बेसिकली हम इसके फोकस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैंने DRL ऑन किया, ये मैंने मेन लाइट ऑन करी इसकी, और ये देखिए ये है इतना फोकस भाई, बहुत अच्छा खासा फोकस मिल जाता है, काफी दूर तक लाइट जाती है। ये देखो, ये मैंने इसे एक ये कम किया, ये मैंने DRL ऑफ कर दिया, मैं पूरी लाइट ऑफ कर दी, ये मैंने ये ऑन किया, ये मेन लाइट है, ये इसका लोअर बीम में, ये है हाई बीम में, ये मैंने बंद कर दिया अब से, ठीक है। अब हम आगे बात करें, देखिए आप जैसे इसको देख रहे हो ना, इसको मैं कम करता हूं इधर, जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूं आपको, अगर इधर दिख रहा हो तो आप देख सकते हो, ये जो हमें दिया गया इसके पास एक डायल मिलता है। देखो इधर की अब मैं बात करूं तो इधर जैसे आप देख रहे हो डायल, ये 4 है। अब मैं दिखाता हूं देखो कैसे कैसे होता है इसका वर्क। अब सामने बस लाइट की साइड देखते रहिएगा क्या क्या होता रहेगा। अब मैं यहां से इस डायल को घुमाऊंगा, ऐसे करके घूमता है डायल, तो मैं इस डायल का आपको दिखाता हूं वर्क होता क्या है। अब आप देखिएगा, अब मैं डायल को करता हूं ये 0 पे मेरा डायल, अब मैं सबसे पहले करता हूं इसे 1 पे, देखिए आपको लाइट कम होती आ रही है, ये देखिए अभी बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल पास आ चुकी है। दोबारा मैं दिखाऊंगा, आप देखिए आगे जाएगी, शायद नोटिस कर पा रहे होंगे आप,
तो बेसिकली ये होता है इस डायल का लग। आप इसका बीम कम कर सकते हो, मतलब कि आगे तक जाना है पीछे तक जाना है, ये इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो हमें इसके अंदर डायल दिया गया, आप इससे इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इस डायल का काम बेसिकली, जो उसके हेलोजन ने इसको जो एलईडी फॉग लैंप हम दी, आप उससे उसको कंट्रोल कर सकते हो इस डायल के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एक और अच्छा सा फीचर। अब हम बात करेंगे कि भाई देख सकते हो जैसे ये पूरे में कैबिन में लाइट मिल जाती है ब्लू, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि भाई ये कैसे कम होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। मैं आपको बताऊं उसमें आपको करना क्या है, आपको दो नॉब मिलते हैं, एक लेफ्ट साइड में नॉब मिलता है, एक राइट साइड में नॉब मिलता है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ट्रिप मीटर, ये आपको राइट लेफ्ट साइड का नॉब एक बार दबाना और किलोमीटर पे आ गया। तो राइट साइड का नॉब आप जैसे एक बस एक बार ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से एक बार नॉब घुमा, देखिए आप लाइट कम होती जा रही है। देखिए जैसे रात को आपको काफी कम करनी है तो आप इससे काफी कम कर सकते हैं। देखिए ये वाली लाइट भी कम होगी, ये वाली लाइट भी कम होगी, और इंक्रीज करनी है तो बस इसको घुमाते जाइए तो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये भी काफी अच्छा फीचर लगा कि अगर रात को अगर चुप रही है आपको ये लाइट तो आप इससे कम कर सकते हो। तो मेरे को ये फीचर भी काफी अच्छा लगा है। तो भाई ये सारी बात हो गई इस पूरे इंटीरियर की लाइटनिंग की, एक्सटीरियर की लाइटनिंग की। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, सम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही था ये आपके लिए, मैंने इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश करी है बस इस वीडियो से। तो अगर वीडियो यहां तक देखी है तो भाई हिट द लाइक बटन, पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिएगा और एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।